गाइस आपको पता है कि अभी amazon.com पे एक गेम लिस्टेड हुई थी जिसे 10 ही मिनट में हटा लिया गया, और उस गेम का नाम मैं आपको बताऊंगा तो आप भी शॉक रह जाएंगे। गेम का नाम है Assassin's Creed Ragnarok। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन, नमो कार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले हमने एक वीडियो बनाया था Assassin's Creed का नया पार्ट से रिलेटेड, और उसमें बताया था कि उसका नया पार्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं गॉड ऑफ वॉर सीरीज से इंस्पायर होगा, जो उसकी नॉर्स माइथोलॉजी है उससे खास तौर पे, और उसका जो नाम है वो होगा रैग्नारोक। तो बहुत सारे लोग हम पे बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीज कंफर्म हो चुकी है। अभी तक यूबीसॉफ्ट ने ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल पर कंफर्म नहीं किया है, रिवील नहीं किया है, लेकिन जब अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी उस गेम को लिस्टेड कर सकती है तो आप समझ सकते हैं कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ हमने पॉइंट्स बनाए हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले पॉइंट पर हमें यही पता चलता है कि जो इसका स्क्रीनशॉट है, जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा, तो वो इमेज एंड कुछ एडिशंस Amazon जर्मनी इटली और गेम स्टॉप जैसी वेबसाइट पर लिस्ट हुए थे। सेकंड पर हमें पता चलता है कि इस गेम का जो नाम है वो कंफर्म है पूरी तरह से कि Ragnarok होने वाला है, बस Ubisoft का ऑफिशियली डिक्लेयर करना बाकी है, जो कि मुझे लगता है E3 तक वो डिक्लेयर कर ही देगा इस बात को। नंबर थर्ड पर हमें पता चलता है कि इसमें कैंपेन और मल्टीप्लेयर दोनों ही आपको मोड देखने को मिलेंगे, जो कि एक ओपन वर्ल्ड गेम होगी। जैसे प्रीवियस सीरीज हमने जितनी भी खेली है, ओडिसी की मैं बात करूं या उससे प्रीवियस सीरीज की भी मैं बात करूं, तो वो सब ओपन वर्ल्ड ही थी, तो यहां पर भी वही सेम कंसेप्ट रखा गया है। लेकिन इस बार आपको गेम में मिलेगी नॉर्स माइथोलॉजी देखने को, जो काफी हद तक आप कह सकते हो कि गॉड ऑफ वॉर से इंस्पायर्ड है, क्योंकि सब जानते ही हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है क्रेटोस, और उसे अब नॉर्स माइथोलॉजी में शिफ्ट कर दिया गया, और वो गेम कितनी ज्यादा यूज सक्सेस रही। मतलब ग्रीक माइथोलॉजी की सेल इतनी नहीं रही उसके, अगर आप प्रीवियस पार्ट्स की देखोगे, चाहे गॉड ऑफ वॉर 3 हो, जितनी गॉड ऑफ वॉर 4 ने सेल की है और रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, तो कहीं ना कहीं Assassin's Creed सीरीज और यूबीसॉफ्ट भी उन सफलताओं को भुनाना चाहता है, और उसे लगता है कि नॉर्स माइथोलॉजी में अगर हम अपनी गेम को शिफ्ट करेंगे तो हमारी जो गेम को बहुत ज्यादा हाइप नहीं मिल पा रही है। पिछले कुछ टाइम से Assassin's Creed की जो सीरीज है, जो उसकी फैन फॉलोइंग है, वो बहुत कम हो गई है, तो इस वजह से कंपनी को लग रहा है कि Assassin's Creed को नॉर्स माइथोलॉजी में शिफ्ट करने से, और अभी जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो इंप्लीमेंट करने से, हो सकता है हमारी गेम बहुत अच्छी चल जाए। तो यहां पर 9 रिल्म भी आपको इसमें देखने को मिलेगी गेम में, तो सेम वही आप कह सकते हैं कि स्टोरी तो काफी हद तक क्रेटोस और गॉड ऑफ वॉर वाली स्टोरी से इंस्पायर्ड है, पर वो स्टोरी का कंसेप्ट अलग है, वहां पर एक साथ में बच्चे की कहानी है, पर यहां पर क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो 9 ड्रीम के साथ साथ यहां पर आपको वैलक्रीज भी देखने को मिलेंगी। तो वैलक्रीज भी यार, मतलब मैंने ये वीडियो में भी बताया था, फर्स्ट टाइम जब वो वीडियो बनाया था हमने Ragnarok के ऊपर, तो मैंने कहा यार गॉड ऑफ वॉर की बहुत सारी चीजें उन्होंने चुरा ली एक तरह से, लेकिन अब पता नहीं यार इन सब चीजों के लिए क्या होगा, कुछ लीगल इन पे केस होगा नहीं होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी जब गेम आएगी तब पता चलेगा, क्योंकि Ubisoft भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लेकिन सेम अगर वो गॉड ऑफ वॉर वाली चीजें हमें उस गेम में भी देखने को मिलेगी, तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज से डिसअपॉइंट रहूंगा, कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि गॉड ऑफ वॉर से इसमें क्या नया है, कि इसमें आपको 4 कोऑप मोड देखने को मिलेंगे, यानी कि अप टू 4 प्लेयर्स एक साथ एक कैंपेन मिशन को या मल्टीप्लेयर को खेल सकते हैं। तो कैंपेन मिशन का भी इसमें यहां मेंशन किया है कि जो स्टोरी है उसे भी आप मल्टीप्लेयर की तरह खेल सकते हैं, जैसे अवे आउट गेम थी, काफी गेम्स होते हैं, गेयर्स ऑफ वॉर सीरीज भी आप कह सकते हैं, और काफी मजा आता है अगर कैंपेन को या मल्टीप्लेयर बनाकर खेलते हैं तो उसका एक आनंद अलग ही है। बाकी मल्टीप्लेयर मोड तो इसमें होगा ही, वो किस तरह का होगा वो देखने वाली बात है। बाकी आज तक तो मैंने Assassin's Creed का कोई भी पार्ट जो मल्टीप्लेयर है भी उसे मतलब कभी भी मैंने ऐसे कोई खास एंजॉय नहीं किया, और मुझे तो कुछ खास मजा नहीं आया उस चीज में। बाकी अगर आपने किसी भी पार्ट को मल्टीप्लेयर मोड में खेला हो और आपको कोई मिशन पसंद आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा गेम में आपको प्रीवियस सीरीज के भी बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे ओडिसी, ओरिजन्स और इसके हिडन ब्लेड्स वगैरह, ये सब वेपन्स वगैरह बहुत सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मॉडर्न स्टे वेपन भी होंगे, जो मतलब नॉर्स माइथोलॉजी में काम करते हैं, वो किस तरह का होगा कॉम्बैट वो भी नहीं कहा जा सकता। बाकी Assassin's Creed की किसी भी गेम का मुझे कॉम्बैट तो वैसा नहीं लगा कि गॉड ऑफ वॉर से कहीं तक भी टच करता हो या उस लेवल का हो, तो कॉम्बैट में तो हमेशा मतलब Assassin's Creed बहुत पीछे रहा है, और गेम प्ले में मुझे उतना मजा नहीं आता है। लेकिन हाँ ठीक है, उसका गेम प्ले अपनी जगह ठीक है, पर इस बार देखते हैं कि क्या नया देखने को हमें मिलता है। तो हमारी तो एक्सपेक्टेशन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि नेक्स्ट जन कंसोल पर भी वो गेम रिलीज होगी, और मुझे लास्ट याद है शायद ब्लैक फ्लैग वो गेम थी फर्स्ट जो Assassin's Creed की PS4 पे और PS3 दोनों पर रिलीज हुई थी, पर उस गेम ने भी कोई बहुत ज्यादा कमाल नहीं किया था। गेम अच्छी थी, उसमें बॉट वगैरह को एक तरह से इंट्रोड्यूस कराया गया था, हम पूरी नाव चलाते हैं, पूरा समुद्री मिशन होते हैं उसके अंदर, तो वो ठीक थी गेम अपनी जगह पर, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आई थी। तो इस बार देखने वाली बात होगी कि Assassin's Creed आपने आपको कितना प्रूफ कर पाती है। और जाते जाते मैं आपको उसकी दो चीजें और बता देता हूं कि एक तो इस गेम की रिलीज डेट, तो इस गेम को बताया जा रहा है कि ये गेम आपको सेप्टेम्बर मंथ में देखने को मिलेगी इसी साल पर, और 29 सितंबर इसकी डेट दी है। तो लास्ट जो गेम रिलीज हुई थी वो 5 अक्टूबर को हुई थी,
2018 में, तो एक साल का इन्होंने गैप डाल दिया। 2019 में हमें पता है कि Assassin's Creed का कोई भी पार्ट नहीं आया, तो हो सकता है कि 2 साल की मेहनत के बाद कुछ नया हमें देखने को मिले। बाकी तो जैसे हर साल Assassin's Creed आ रही थी तो हम खुद बोर हो गए थे, और हम चाहते हैं कि Assassin's Creed को रिप्लेस कर देना चाहिए प्रिंस ऑफ पर्सिया सीरीज से, और उसे रिबूट करें या उसका आगे का कुछ बनाए, तो ज्यादा मजा आएगा लोगों को, ज्यादा लोग कनेक्ट कर पाएंगे उस गेम से। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि Assassin's Creed और प्रिंस ऑफ पर्सिया में से आपकी फेवरेट सीरीज कौन सी है। और लास्ट पॉइंट पर दोस्तों, इसके एडिशन की मैं आपको बात बता देता हूं। इसमें 3 एडिशन इन्होंने यहां पर लिस्ट किए थे जो Amazon पे मैंने वेबसाइट पर बताया आपको। एक तो स्टैंडर्ड एडिशन था जिसकी प्राइस 4,000 रुपए रखी गई थी, सेकंड था गोल्ड एडिशन जिसे 6,000 रुपए का बताया गया, और एक था वेल हेले एडिशन जिसका प्राइस था 7,800 रुपीज। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 एडिशन इन्होंने यहां पर दिए थे जो कि अब यहां से रिमूव हो चुके हैं। आप जाकर देखेंगे तो नहीं आपको मिलेंगे। तो ऐसा कंपनी कर देती है बहुत सारी गेम्स के बारे में भी, जैसे विकिपीडिया पर अभी लास्ट मुझे याद है सुपरमैन गेम के बारे में, तो सुपरमैन गेम के बारे में रॉक स्टेडी ने अपनी ऑफिशियल विकिपीडिया पर दिया था और उसमें लिस्ट किया गया था नाम, लेकिन अब उसे हटा लिया गया है। तो अब फाइनली इतने पॉइंट जानकर को तो मैं भी कहीं ना कहीं एक्साइटेड हूं इस गेम को देखने के लिए, खेलने के लिए। अब देखते हैं इसका टीजर या ट्रेलर हमारे सामने कब रिवील होता है। E3 तक तो हो ही जाएगा, हो सकता है इससे पहले भी यूबीसॉफ्ट डिक्लेयर करते इस चीज को। तो आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।